नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में इतने सारे फोन आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनी फोन ला रही है, तो LG भी कहाँ पीछे रहने वाली है। जी हाँ, LG भी अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है LG V14 Think। क्या होने वाली है इसकी प्राइस, क्या है इसमें स्पेसिफिकेशंस, ये जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है या नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.4 इंच की आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि कमाल का प्रोसेसर आप लोग पहले से ही जानते हैं। कहीं ना कहीं इस फोन में आपको बैक में भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगर हम इसकी रैम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज दी गई है, और इसमें आपको माइक्रो क्रेडिट SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने SD कार्ड को 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। 2 TB तक, मतलब इतने स्टोरेज का आप करोगे क्या, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आई थिंक 120 काफी होता है कहीं ना कहीं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 3300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, बट लेकिन अच्छी है। प्लस बात ये है इसमें कि आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आपका फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा, ये कंपनी दावा करती है। अब इसका एक हाईलाइट फीचर्स बना हुआ है इस मोबाइल का, क्योंकि इसमें आपको 5 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना, 5 कैमरे, 3 बैक में आपको देखने को मिलने वाले हैं और 2 फ्रंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मैं बात कर लेते हैं सबसे पहले रियर कैमरे, बैक कैमरे के 3 कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो इसमें कैमरा दिया गया है, वो दिया गया 12 MP का, जो कि 1.5 एपर्चर के साथ आता है। और जो दूसरा कैमरा आपको दिया गया है यहाँ पे, वो आपको दिया गया 16 MP का। जी हाँ फ्रेंड्स, 16 MP का, जो कि 2.4 एपर्चर के साथ आता है। और तीसरा कैमरा दिया गया है, वो आपको दिया गया है फिर से 12 MP का, जो आपका आता है 1.9 एपर्चर के साथ। काफी है 3 कैमरे, से आप वाइड एंगल फोटो भी ले पाएंगे अच्छे तरीके से, और 70 डिग्री फोटो तक क्लिक कर पाएंगे अच्छे तरीके से। काफी अच्छे कैमरे दिए गए हैं, इसके लिए एक थम्स अप बनता है कहीं ना कहीं। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8 MP का कैमरा दिया गया है, जो आपको आता है 1.9 एपर्चर के साथ। और एक और कैमरा जो आपको दिया गया 5 MP का, जिससे आप पोर्ट्रेट फोटो ले पाएंगे इजी तरीके से। तो आई थिंक इसमें कैमरा तो काफी सारे दिए गए, 3 बैक में दिए गए, 2 फ्रंट में दिए गए, मतलब कैमरा फोन होने वाला है कि ना, कि आप इसको कह सकते हो कैमरा फोन। अगर हम इसकी बात करें लॉन्च कब किया जाने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये 20 जनवरी को आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, और ये आपको Amazon पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि LG के जो फोन आते हैं उनकी प्राइस कहीं ना कहीं हाई होती है, तो इसकी प्राइस के बारे में तो कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जो भी आई है आप देख, आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये 20 जनवरी को सीधा Amazon एक्सक्लूसिव पर जाने वाला है। तो अगर ये, मैं अपने हिसाब से बताऊं, अगर इसकी प्राइस हो ना वो 40,000 के आसपास होती है तो ये अच्छा होने वाला है फोन। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो आई थिंक लोग इसको कम पसंद करेंगे। बाकी आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इसकी प्राइस के बारे में। अगर ये 40,000 से ऊपर जाएगा, 40,000 रुपए से ऊपर जाएगा, तो क्या लोग इसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया मतलब बहुत कुछ मिस कर दिया, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ मिस करने से बच जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ मोबाइल से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
तो अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो क्लिक तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियोस पर आप क्लिक कर सकते हो और आप मेरे यहाँ से और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।